गाइज मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन केयर इज अ मस्ट मैंने ऑलरेडी अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है फेस वॉश करने के बाद मैंने अपना मॉइस्चराइजर लगाया है नाउ अगेन फॉर मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पे यूज किया है बायोडर्मा का एट्रोडर्म क्रीम दिस इज अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर फॉर अ डेली यूज अगर विंटर सीजन की वजह से आपका स्किन काफी ड्राई हो गया है और क्लियर बनाएगा प्रोवाइड करेगा अगर आप कोई रेटनॉल एच एस बी एच एस भी यूज करे उसके बाद इस मॉइस्चराइजर को आप यूज कर सकते हो आई लव यूजिंग दिस फेस मॉइस्चराइजर हाईली रिकमेंडेड फेस अच्छे से जब मॉइस्टराइज रहेगा उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया है अपना बीबी क्रीम समर्स में आप बीबी क्रीम यूज कर सकते हो सी क्रीम यूज कर सकते हो या फिर अगर आपको फाउंडेशन यूज करना है गो फॉर एनी काइंड ऑफ लाइट वेट फाउंडेशन आप अपने बीबी क्रीम को यू नो फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है और मैं अपने यू नो बीबी क्रीम को अच्छे से स्प्रेड आउट कर रही हूँ पूरे फेस में समर्स में खासकर बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं लगाने का मन करता है इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं बीबी एस सी क्रीम ताकि आपको एक वो कलर करेक्शन में मिल जाए और यू नो फेस भी लाइट लगे मतलब हेवी ना फील हो पूरा दिन फेस भी स्किन काफी क्लियर भी दिखता है ओके वंस दैट इज डन उसके बाद मैंने यूज किया अपना मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर और मैं एक फैट ब्रश के हेल्प से पूरे फेस में कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो अगर आपको कोई लाइट वेट कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है यू कैन ऑल्सो ट्राई बेबी पाउडर अगर हैवी नहीं करना है यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ बेबी पाउडर ओके उसके बाद मैंने किया है अपना आई मेकअप उसके लिए मैंने एनके के पैलेट से ये वाला शेड पर्टिकुलर पिक किया है विच इज़ अ वेरी वेरी लाइट कलर और मैं अपने पूरे लिड में इस कलर को स्प्रेड आउट कर रही हूँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कंसीलिंग वगैरह नहीं किया है अपने ड्रेस से मैचिंग करते हुआ मैंने मार्स कॉस्मेटिक्स के पैलेट से ये दोनों शेड पिक किया है और मैं उसको अपने क्रीस लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट पिक करना है और उसको यू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्लेंड आउट करना है ये लुक समर डे टाइम में काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने लुक काफ़ी सॉफ्ट बनाया है और सटल बनाया है ताकि बिगनर भी हो तो ईजली इस आई मेकअप को कर सके उसके बाद मैंने क्या किया कि एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और मैं कलर को और अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ फिर मैंने उसी ब्रश में थोड़ा सा कलर पिक किया है और मैं उसको अपने लोअर लेड में लगा रही हूँ जस्ट एक स्मोकी इफेक्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा कलर नहीं लगाना है कीप इट रियली लाइट फिर मैं जो फर्स्ट वाला कलर था उसको लिया है और अपने मिडिल लेड में लगा रही हूँ आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सटल सा आई मेकअप लुक आया है विदाउट यूजिंग लॉट ऑफ कलर्स उसके बाद मैंने पैलेट में से एक ब्राउन शेड पिक किया है अपने एंगुलर ब्रश में और मैं उसी से यू नो विंग लाइनर बना रही हूँ बहुत लोगों को लिक्विड लाइनर्स नहीं यूज़ करना आता है आप पिक एनी ब्राउन कलर एंड अप्लाइड एज अ विंग लाइनर फिर मैंने अपने लैशेज़ को कर्ल किया है और मैं यूज़ कर रही हूँ अपना लॉरियल पेरस का मस्कारा दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट और समर में ये सब मस्कारा काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये जल्दी से पसीना से या गर्मी से मेल्ट नहीं होगा बहुत लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट ओके उसके बाद मैंने एक वाइट पेंसिल लिया है दिस इज़ फ्राम पर्पल और मैं इसको इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग अ काजल मैं इसको अपने वाटर लाइन्स पर लगा रही हूँ इससे क्या होता है ना एक तो नया टाइप का आई मेकअप लगेगा आइज़ बड़ा भी दिखेगा जिसका हुड आइज आप ऐसे यू नो वाइट पेंसिल ट्राई कीजिए ब्यूटीफुल भी लगता है फिर मैंने यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल किया है यूजिंग दिस इज ब्यूटी आई पेंसिल इन द शेड ग्रे ये मेरे आई में काफ़ी अच्छा सेट होता है तो इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग अ ब्राउन मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा ग्रे टाइप का पेंसिल यूज करने का अपने ब्राउज पे ताकि वो भी दिखे सो दैट वॉज ऑल फॉर द आई मेकअप इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया था फिर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से ये इसमें से दो शेड पिक किया ब्लश का और मैं उसको अपने चीक्स में लगा रही हूँ आई एम नॉट यूजिंग एनी हाईलाइटर नो कंटोरिंग जस्ट अ सिंपल ब्लश उसको मैंने अपने यू you know, नो नोस पे चीक्स एरिया पे लगाया है एंड द लुक टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल उसके बाद मैंने अपना लिपस्टिक लगाया है सबसे पहले मैंने मार्स कॉस्मेटिक्स का ब्राउन लिपस्टिक लगाया उसके ऊपर मैंने उसको टॉप किया है विद मिस क्लेयर न्यूड लिपस्टिक

सारा प्रोडक्ट डिटेल्स विद लिंक्स एंड प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप ये लुक क्रिएट करोगे ऑल्सो टैग मी ऑन इंस्टाग्राम बहुत लोग जो यू नो मेरा लुक क्रिएट करते हैं टैग मी ऑन इंस्टाग्राम आई रियली लव वॉचिंग दोज वीडियो और मैं कोशिश करूंगी मैं आप लोग को टैग करूँ अपनी स्टोरी में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज ऑल्सो डो नॉट फोर टू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया